हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स की सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वैल्यू रिक्रूटमेंट 2021। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जितनी भी जॉब अपडेट्स लेकर आऊँगा वो डाइवर्सिफाइड फील्ड में लेकर आऊँगा। लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए लेकर आ रहा हूँ या इंटर्नशिप के लिए लेकर आ रहा हूँ। सो जैसे मैंने आपसे बोला था, सो आज उसी सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं वैल्यू रिक्रूटमेंट 2021। सो जो ये वैल्यू रिक्रूटमेंट है ये बीई बीटेक डिप्लोमा बैचेस के लिए एलिजिबल है 2018 19 20, जैसे कि आप देख रहे हो। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। सो गाइस, जॉब लोकेशन वाली ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, फ्रेशर्स एलिजिबल हैं या नहीं है, हाउ टू अप्लाई, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम डेली ऐसे ही 5 to 6 जॉब अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डाइवर्स फील्ड में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बीटेक में जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करते हैं, उसके बाद फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब होती है, और जैसे कि जो वैल्यू रिक्रूटमेंट 2021 है ये पर्टिकुलर मैकेनिकल के लिए जॉब्स हैं। सो गाइस, चलिए बात करते हैं जो भी सारी चीज़ें होंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, जो वैल्यू का ऑफिशियल वेबसाइट है हम उस पर आ चुके हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हो, यू आर नॉट साइंड इन, सो आई हैवंट साइंड इन, सिर्फ मैंने आप लोगों के दिखाने के लिए काम किया है। और उसके बाद देखिए, ये आपका जो अप्लाई लिंक है, ये आपका अप्लाई लिंक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, और जो भी लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके कोई इशू नहीं है। सो चलिए बात करते हैं जो आपका मैकेनिकल मेट्योर सीएडी दैट इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इंजीनियर सीनियर इंजीनियर की पोजीशन है आपकी। उसके बाद आप देख सकते हो प्रोफिशिएंट इन सीएडी सॉफ्टवेयर, डिफाइन सीएडी मॉडल्स 3D और 2D, ये सारी चीज़ें आप एक बारी वीडियो पॉज करके प्लीज़ एक बारी देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं सीएडी टास्क मैनेजमेंट की। सो आप देख लीजिए, मे पायलट ऑफ इफ नीडेड सी ए डी ऑपरेटर्स एंड फॉलो अप ऑफ द सी ए डी ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद सी ए डी की स्किल्स, जो भी आपकी ऑटोमोटिव एक्सटीरियर लाइटनिंग, हेडलैम्प, रियर लैम्प, ये सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक मोल्ड, टूलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसके बाद चलिए बात करते हैं सी ए एस, जो आपकी कंप्यूटर एडेड स्टाइलिंग है, उसमें आप देखिए कंप्यूटर एडेड स्टाइलिंग ऑफ हेड लैम्प्स एंड रियर लैम्प्स इन रिलेशनशिप विद P1 टीम, ये सारी चीज़ें, पार्टिसिपेशन इन स्टाइल ब्रांच नेटवर्क, पार्टिसिपेशन इन बेंच मार्किंग एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद गाइस बात करते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली है, ये आप देख लीजिएगा, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद देखिए सी एस जो कि स्किल्स हैं आपकी, ये देख सकते हैं आप, क्रिएटिव गुड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टाइलिंग, स्केचिंग कैपेबिलिटी, ऑटोमोटिव ए सरफेस कंसीविंग, एरोडायनेमिक्स नॉलेज, नॉलेज ऑफ कॉस्मेटिक्स फीचर्स एंड स्टाइलिंग सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, प्लास्टिक मोल्ड टूलिंग। सो गाइस, उसके बाद बात करते हैं आपकी सी ए डी जो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, उसमें आप देखिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए या इक्वलेंट होना चाहिए। इक्वलेंट मीन्स आपकी जो बी ई बी टेक है वो मैकेनिकल में होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जो आपको वर्क एक्सपीरियंस है वो निल होने वाला है, दैट मीन्स आप फ्रेशर हो तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपके पास 0 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद बात करते हैं जो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। सो आपकी जॉब लोकेशन जो होगी वो होगी आपकी चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में, जैसे आप देख रहे हो प्राइमरी लोकेशन तमिलनाडु चेन्नई। उसके बाद बात करते हैं आपको जो लैंग्वेज होगा वो नॉलेज ऑफ सी ए डी सॉफ्टवेयर विल बी एडेड एडवांटेज, तो आपका एक एडवांटेज होने वाला है, मैंने बताया हुआ आपकी एडवांटेज कब यूज़ होता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं आपका जो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और उसके बाद जो आपका फुल टाइम होने वाली है जॉब, और उसके बाद देखिए आपका शिफ्ट्स में होगी, और जो आपकी एम्प्लॉय स्टेटस है वो रेगुलर होगा, और जॉब टाइप भी आपकी रेगुलर होगी। उसके बाद जो आपको ट्रैवल होगा वो आपको ट्रैवल नहीं करना है, और देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह ये हमने सारे डिस्कस कर लिए, आपको जो डिप्लोमा है वो चाहिए, उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, और जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम ऐसे ही डेली 4 to 5 नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।